कि वर्ण शूद्र क्षत्रिय एक, वश्य मानव और वंचर दो। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कुंडली कैसे मिला सकते हैं नाम से। नाम से कुंडली मिलाने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ ना हो। अक्सर हमने देखा है कुंडली लोग मिलाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कुंडली मिले, मगर कई बार उनके पास डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं होती और कई बार डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। किसी के माँ बाप बचपन में चले जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आई होती है उनके साथ, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। तो उनकी कुंडली कैसे मिलाते हैं? उनकी कुंडली हम नाम से मिला सकते हैं और ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है। अब ये ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम खुल के इसके बारे में बात करेंगे। प्लस नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके जो रिजल्ट्स होंगे उसको हम खुद मिलाएंगे अपनी कुंडली मिलान से, कि बाय हैंड हम कुंडली कैसे मिला सकते हैं बाय न्यूमरोलॉजी। उस कुंडली मिलान को हम खुद हाथ से मिलाएंगे और एक ऑनलाइन से मिलाया हुआ, ऑनलाइन के रिजल्ट्स हम हाथ से मिलाई हुई कुंडली के साथ मैच करेंगे और देखेंगे क्या फ़र्क है। तो ये वीडियो में आप चेक करिए कि कैसे हम कुंडली मिलाए, कैसे हम ऑनलाइन कुंडली चेक कर सकते हैं नाम से, और अगले वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि कैसे उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे रिजल्ट्स के साथ कितने मैच कर रहे हैं और कितनी सही कुंडली है। तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधा ही चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे कुंडली मिलान बाय नेम। कुंडली मिलान बाय नेम आ गया। अब इसके बाद कोई भी ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं नाम से कुंडली कैसे मिलाएं। ये पहली वेबसाइट आ रही है एस्ट्रोसेज की, इसको ले लेते हैं। अब ये इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। नेम वाइज कुंडली मैचिंग और हारमोनी। अब यहाँ पे हम बॉय का नाम डाल देते हैं, बॉय का नाम सपोज हम संदीप डाल देते हैं, संदीप, ठीक है। गर्ल का नाम हम डाल देते हैं मीनाक्षी, मीनाक्षी, ये हमने संदीप डाल दिया और ये मीनाक्षी डाल दिया। संदीप कुमार कर देते हैं, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, देखते हैं और कितना आ रहा है ना। और मीनाक्षी कश्यप कर देते हैं, संदीप कुमार और मीनाक्षी कश्यप, देखते हैं क्या मैच आता है। ये आ गए मैच मेकिंग के रिजल्ट्स। चरण दूसरा, राशि कुंभ, लड़की नक्षत्र मघा, चरण चौथा राशि सिंह। इन नाम से राशि आ रही है, लड़के की राशि आ रही है कुंभ राशि और लड़की की राशि आ रही है सिंह राशि। अच्छा, वर्ण शूद्र भी आ गए, ये रे गुण इनके कि वर्ण शूद्र क्षत्रिय एक, वश्य मानव और वंचर दो। ये सब इनके गुण होते हैं कि वर्ण के एक गुण देखे जाते हैं, वश्य के दो, तारा के तीन, योनि के चार, मैत्री के पांच, गण के छः, बकूट के सात और नाड़ी के आठ। इस तरीके से ये 36 गुण बनते हैं। अगर आप इनको टोटल करेंगे, एक दो एक तीन, तीन तीन छः, चार दस, पाँच पंद्रह और छः 21 और सात 28 और आठ 36। तो इस तरीके से इनका जो मार्क्स देने का वो होता है, कैटेगरी होती है, वो 36 गुण की होती है। अब एक में से वर्ण में मिले हैं इसको 0 अंक प्राप्त हुए हैं, वश्य की बात करें तो भी 0 प्राप्त हुआ है, तारा इनका 1.5 मैच करा है 3 में से, योनि इनकी 4 में से 3 मैच करी है। योनि होते हैं फिजिकल कंपैटिबिलिटी लड़का और लड़की के बीच में। तारा नक्षत्र होता है कि कौन सा इनका नक्षत्र मैच कर रहा है, अगर नक्षत्र की मैचिंग करेंगे कौन सा ये नक्षत्र इनका कंपैटिबल है या नहीं है आपस में, जैसे शतभिषा है और ये मघा है, तो इनकी आपस में क्या कंपैटिबिलिटी है उसके आधार पर इनको 1.5 मार्क्स मिले हैं। मैत्री में 0 मिले हैं, गण में 6 मिले हैं, मतलब इनके जो गुण मिल रहे हैं गण मिल रहे हैं, जैसे ये गण उसमें आता है कैटेगरीज के अंदर आता है, जैसे ये वर्ण के अंदर आता है ना शूद्र और क्षत्रिय, लड़का अगर शूद्र है और लड़की क्षत्रिय है तो 0 मिलेगा। एक गुण मिलान के अंदर एक चीज़ हमेशा ये देखी गई है कि गुण मिलान के अंदर जो लड़का है उसकी जो
कास्ट होती है वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए, लड़के की कास्ट ऊपर होनी चाहिए और लड़की की नीचे होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये मार्क्स नहीं देगा। जैसे अगर लड़का शूद्र है तो लड़की भी शूद्र होनी चाहिए, अगर लड़का ब्राह्मण है तो लड़की, सबसे पहले कैटेगरी आती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। तो लड़की की कैटेगरी हमेशा ऊपर होनी चाहिए लड़की से, तभी इस कैटेगरी के अंदर मार्क्स मिलते हैं। फिर ये भकूट आ गया, नाड़ी आ गया, नाड़ी नाड़ी आता है जिसके अंदर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके अंदर हेल्थ के अंदर 8 में से 8 मार्क्स दिए, मगर ये नहीं पता चल पाया कि हेल्थ एक्चुअल में क्या होगी। तो इनके 25.5 गुण मैच कर रहे हैं, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इनके 25.5 गुण मैच कर रहे हैं 36 में से। तो 25.5 गुण तो कहा गया है कि ये ठीक है, तो मतलब इसके लिए ठीक है कि इस कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ये ठीक है। तो चलिए, ये तो था कि आपको कैसे चेक करना है नाम से गुण कुंडली मिलान। तो आप इजीली इसको टाइप कर सकते हैं और नाम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हम बाय हैंड इसको मैच करेंगे, बाय हैंड मैं लाइव इसको मैच करके आपको दिखाऊंगा कि लाइव कुंडली कैसे मैच करनी है, और लाइव मैच करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि दोनों के रिजल्ट्स में कितना फ़र्क है, तो दोनों के रिजल्ट्स में कितना फ़र्क है, या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या सेम है, ऑनलाइन करना ठीक है या बाय हैंड करना ठीक है। तो दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी से आपको सेटिस्फेक्शन होगी, तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।